नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रदीप्ति, जिसे हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति, तो प्रदीप्ति है क्या, पहले इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई प्रकाश स्रोत या बल्ब है, ये मान लो एक बल्ब है। इस बल्ब से जो प्रकाश पड़ेगा, इस बल्ब से क्या होगा, प्रकाश निकल रहा है। तो जो प्रदीप्त की बात करते हैं हम, कि प्रकाशीय तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल के लंबवत की दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा। तो किसी ये प्रकाश स्रोत बल्ब है, इस तल के लंबवत, ये मान लो कोई तल है इकाई क्षेत्रफल वाला, मतलब 1 मीटर लंबा, तो 1 मीटर क्या होगा, यह चौड़ा होगा। तो इकाई क्षेत्रफल वाले तल पर प्रकाश स्रोत द्वारा जितनी प्रकाश की मात्रा पड़ती है उसे हम प्रदीप्ति कहते हैं, और प्रदीप्ति को हम कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या लक्स कहते हैं, या लक्स। ये दो मात्रक है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स, ये क्या है, प्रदीप्त के दो मात्रक हैं। तो इसी हम कहते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा इकाई तल क्षेत्रफल पर जितनी प्रकाश की मात्रा पड़ती है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, और इसका मात्रक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स कहते हैं। तो E बराबर हमारा होता है एक फार्मूला F अपान A, जहाँ पे F क्या है, आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है, जिसे हम प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं, प्रदीप्ति फ्लक्स। जिसे हम प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। A क्या है, तल का क्षेत्रफल है, तल का क्षेत्रफल। तो अब क्या है कि जो E बराबर होता है F अपान A, जहां F क्या है, प्रदीप्ति फ्लक्स है, A क्या है, उस तल का क्षेत्रफल, जो इकाई तल का क्षेत्रफल में कितना प्रकाश पड़ रहा है वही प्रदीप्ति होता है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और एक हम नया मात्रक समझेंगे कि जो प्रदीप्त होता है, इस प्रदीप्त का एक दूसरा मात्रक होता है जिसे हम मिलीफोर्ट बोलते हैं। मिलीफोर्ट, मिली फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो प्रदीप्ति का दूसरा मात्रक होता है। 1 मिली फोर्ट बराबर 1 मिली फोर्ट बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 ल्यूमेन प्रति सेमी स्क्वायर, 1 ल्यूमेन प्रति सेमी स्क्वायर होता है। तो एक प्रदीप्त का एक दूसरा मात्रक होता है जिसे हम मिलीफोर्ट कहते हैं। तो 1 मिलीफोर्ट बराबर 1 ल्यूमेन प्रति सेमी स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रदीप्ति को जो मापने का, किस यूनिट के द्वारा हम प्रदीप्त का मापन करते हैं। तो प्रकाश मापी के द्वारा, प्रकाश मापी के द्वारा हम प्रकाशित तल की प्रदीप्त को मापते हैं, जो एक फोटोडायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र है। क्या है, यह फोटोडायोड पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र है। तो इस प्रकाश मापी के द्वारा किसी तल पर जो प्रकाश पड़ रहा है, इस तल पर कितना प्रकाश पड़ रहा है, इस तल पर प्रकाश को मापने के लिए प्रकाश मापी का उपयोग किया जाता है। ये होता है प्रदीप्ति। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रदीप्ति
फ्लक्स, ल्यूमेन फ्लक्स जिसे बोलते हैं, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स। तो इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति फ्लक्स है क्या जी, हम नया टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई कोई प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। तो कोई प्रकाश स्रोत है, मान लो ये बल्ब की बात कर लेते हैं, बल्ब एक प्रकाश स्रोत होता है। तो इस बल्ब से जितनी प्रकाश की मात्रा निकल रही है, इस बल्ब से कितनी प्रकाश की मात्रा निकल है, जितनी प्रकाश की किरणें निकलेंगी वह प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाता है। इसे हम एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं या फाई अक्षर से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एफ अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। इसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अब हम बात करते हैं एक ल्यूमेन बराबर कितने वाट होता है। तो एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट होता है, 0.0016 वाट होता है एक ल्यूमेन बराबर। अब हम बात करते हैं कि ल्यूमेन है क्या चीज। अब इसके बारे में तो मैंने समझ गया कि जो प्रदीप्ति फ्लक्स होता है कोई प्रकाश स्रोत द्वारा कितनी प्रकाश की मात्रा निकल रही है, जितनी प्रकाश की मात्रा निकलेगी वही प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाता है। तो प्रदीप्ति फ्लक्स और वाट में अगर संबंध देखा जाए तो एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट होता है। अब हम बात कर लेते हैं ल्यूमेन है क्या चीज, ल्यूमेन क्या है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक मानक मोमबत्ती से इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित प्रकाश होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा एक ल्यूमेन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि एक मानक मोमबत्ती है, एक ये मानक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती के इकाई ठोस कोण से, ये क्या है सॉलिड एंगल है, ये कोई हमारा क्या है सॉलिड एंगल, ये कोण ओमेगा जो है। तो इस इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा, इससे कितना प्रकाश की मात्रा निकल रही है वह एक ल्यूमेन कहलाता है। किसी मानक मोमबत्ती द्वारा इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा एक ल्यूमेन कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि मानक मोमबत्ती क्या होती है, मानक मोमबत्ती, थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि जो मानक मोमबत्ती है वो है क्या चीज। ये मोमबत्ती के बारे में समझ गए। मानक मोमबत्ती वह मोमबत्ती होता है जो 7.776 ग्राम 7.776 ग्राम प्रति आवर की रेट से जलता है। अगर कोई भी मोमबत्ती 7.776 ग्राम प्रति आवर की दर से जलने का जलता है तो उसे हम कहते हैं मानक मोमबत्ती। अब हम बात कर लेते हैं कोण के बारे में। कोण में एंगल, कोण हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग अपना है कोण क्या होता है, एंगल। अब हम देखते हैं कि जो कोण होता है वह दो प्रकार का होता है। कह सकते हैं कि जो कोण है वह दो प्रकार में जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक जो कोण माना गया है वो समतल कोण होता है जिसे हम प्लेन एंगल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं प्लेन एंगल, समतल कोण, समतल कोण। और दूसरा जो कोण होता है उसे ठोस कोण या घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल बोला जाता है। दूसरा जो कोण होता है वो क्या है, सॉलिड एंगल, जिसे ठोस कोण या घन कोण बोलते हैं, ठोस कोण। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो प्लेन एंगल है और ठोस कोण है वो है क्या चीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो होता है वो 2D में बात किया जाता है और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में बात किया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, जैसे वृत्त होता है, वृत्त क्या है, 2D होता है, और स्फेरिकल जिसे गोला की बात कर लेते हैं, गोला क्या होता है, वो 3D होता है, क्योंकि यहाँ पे 3D नहीं बना सकते, इसलिए समझने के लिए क्या है कि ये मान लो 3D है, ये गोला है, ये गोला है, और ये क्या है, वृत्त है। ठीक, तो समतल कोण क्या होता है, समतल कोण के बारे में हम डिफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। एक तल पर दो सरल रेखाओं के काटने से बने कोण को समतल कोण कहते हैं। क्या है कि एक तल पर दो सरल रेखाओं के काटने से बने कोण को समतल कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लो ये कोई वृत्त है, और इस वृत्त का केंद्र ये पॉइंट है, और इस वृत्त के केंद्र पर व्यास जो 2r दूरी त्रिज्या अगर r मानते हैं, मान लो ये त्रिज्या r हो गई, ये त्रिज्या r है, तो ये भी r, ये भी r, पूरा मिला के व्यास 2r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास जो है, व्यास इसका 2r हो जाएगा। और ये वृत्त का द्वारा चाप, मान लो एक सरल रेखा ये हो गई, दूसरी सरल रेखा ये हो गई, अब दोनों का जो कटान बिंदु, उसके द्वारा जो चाप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, उसके द्वारा जो केंद्र पर जो कोण आंतरित हो रहा है, मान लो वो कोण थीटा है, जब ये थीटा कोण आंतरित हो रहा है, तो इस केंद्र पर जो चाप द्वारा बनाया गया कोण, यही जो थीटा कोण है, वह समतल कोण होता है। अब समतल कोण थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक रेडियन क्या होता है। एक रेडियन की बात करेंगे कि एक रेडियन बराबर होता है कि किसी वृत्त के की त्रिज्या मान लो आर है, और उसी वृत्त के द्वारा जो चाप लिया गया है, वह भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही चाप लिया गया है। अर्थात जितना त्रिज्या की लंबाई ये है, उतना चाप की लंबाई ये है आर। तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण आंतरित करेगा, मान लो कोई वृत्त है, उस वृत्त पर त्रिज्या आर है, उसके द्वारा चाप भी आर लिया जा रहा है, तो उसके द्वारा जो कोण आंतरित करेगा, वह एक रेडियन के बराबर होगा। वह क्या होगा, एक रेडियन के बराबर होगा। अब हम अगला बात कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल या ठोस कोण के बारे में। तो ठोस कोण के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मान लो कोई एक खोखला गोला है, ये मान लो क्या है, एक खोखला गोला है। इस खोखले गोले का मान लो कोई हमने एक इकाई क्षेत्रफल सतह ले लिया, इकाई क्षेत्रफल सतह ले लिया, उस इकाई क्षेत्रफल सतह से हम इसके ठोस गोले के केंद्र पर, इस ठोस गोले के केंद्र पर जो आयतनात्मक कोण बनेगा, ये क्या होगा, जो आयतनात्मक कोण यहाँ पे जो कोण बना रहा है, मान लो ये कोण क्या है, यहाँ पे ओमेगा हम लोग दिखा देते हैं। तो ये कोई जान लो ये वृत्त है, थोड़ा सा फिगर हम बड़ा कर देते हैं, ये कोई क्या है, गोला है। अब इस गोले, चूंकि गोला 3D होता है, इस गोले का मैंने एक इकाई क्षेत्रफल ले लिया, इसका मान लो गोले का केंद्र ये है, तो इस गोले के केंद्र में जो आयतनात्मक कोण बना रहा है यहाँ पे जो आयतनात्मक कोण ओमेगा बन रहा है, और ये वृत्त का इकाई क्षेत्रफल, ठोस गोले का इकाई क्षेत्रफल है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। इसे हम ओमेगा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ठोस कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे। तो एक ठोस कोण बराबर क्या होता है, हम बात कर लेते हैं कि एक ठोस कोण, एक मान लो एक ठोस कोण, एक ठोस कोण बराबर क्या होता है, गोले के वक्र तल तल का क्षेत्रफल, गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल बटे गोले की त्रिज्या का स्क्वायर, गोले गोले की त्रिज्या का स्क्वायर, गोले का त्रिज्या का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो गोले की जो त्रिज्या है वो आ रहे हैं यहाँ पे भी, अब गोले की त्रिज्या आ रहे हैं, चूंकि गोले का वक्र तल का क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो
गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्योंकि ठोस कोण 1 ओमेगा बराबर हो जाएगा, गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाता है 4πr² हो जाएगा यहाँ पे, जो कि मैंने त्रिज्यार माना हुआ है, और गोले की त्रिज्यार वर्ग कर दो, आर स्क्वायर कर दो, तो 1 ओमेगा बराबर 4πsteradian होता है, 4πsteradian होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो ठोस कोण होता है उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, अर्थात एक ठोस कोण बराबर 4πsteradian होता है, एक ठोस कोण बराबर, एक ठोस कोण बराबर 4πsteradian, स्टेरेडियन, एक ठोस कोण बराबर क्या होता है 4πsteradian होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो प्रदीप्ति फ्लक्स होता है, जो प्रदीप्ति फ्लक्स एफ है, इसकी एक मात्रक और है जो प्रकाश को मापने का काम करता है, जिसे हम कैंडिला पावर बोलते हैं। तो प्रदीप्ति फ्लक्स जो एफ, आप लोग इसके पहले स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ें, उसका मापने की एक और एक इकाई जो है कैंडिला पावर होता है, तो 1 CP बराबर होता है 0.0201 वाट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो ब्राइटनेस, जिसे हम लोग बोलते हैं चमक। चमक क्या होता है, चमक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्राइटनेस तो चमक है क्या चीज, अब इसके बारे में समझेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर जितनी प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है वह वस्तु उतनी ज्यादा चमक मानी जाती है। तो ये मान लो कोई प्रकाश स्रोत द्वारा जो प्रकाश आ रहा इकाई क्षेत्रफल पर, मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा मैंने क्षेत्रफल ले लिया, अब इसी क्षेत्रफल पर देखते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी है। अगर किसी प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी तो उसका चमक उतना ज्यादा होगा, और जिसकी तीव्रता जितनी कम होगी और उसकी चमक क्या होगी उतनी कम होगी। तो इसका मात्रक होता है कैंडिला प्रति मीटर स्क्वायर, जो प्रकाश की तीव्रता कैंडिला होता है, कैंडिला प्रति मीटर स्क्वायर। ये हम लोग जो चमक होती, चमक को यल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल यल अक्षर से प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक कैंडिला प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो चमक यही है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रकाश की तीव्रता कितनी है तो वही उसकी चमक कहलाती है, जिसे हम कैपिटल एल अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं चौंध, ग्लरी। चौंध क्या होता है, चौंध ग्लरी अगला जो पॉइंट हमारा टॉपिक है, तो ये हम लोग ग्लरी से टॉपिक बनाइए। अगला हम जो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, ग्लरी चौंध क्या होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न वह तीव्र प्रकाश जिसे आंखों से देखा नहीं जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो वस्तु जितनी ज्यादा चमक उत्पन्न करेगी, अर्थात जिसकी प्रकाश की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, तो उस वस्तु को ह्यूमन आई देखने में बहुत असहाय या अनकंफर्ट फील होता है, उसी को हम चमक कहते हैं। जैसे सूर्य से सीधा देखने पर आंखों पर चौंध लगने का अनुभव होता है, वही चौंध या ग्लरी कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक पॉइंट है वह प्रदीप्ति दक्षता, जिसे हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन इफिशियंसी। इल्यूमिनेशन इफिशियंसी क्या होती है, प्रदीप्ति दक्षता, क्योंकि जनरली हम बात करते हैं दक्षता का मतलब यही होता है कि कोई वस्तु या कोई डिवाइस है वह आउटपुट और इनपुट का जब उसका अनुपात किया जाता है तो वही उसकी दक्षता कहलाती है। तो यहाँ पे हम प्रदीप्ति दक्षता की बात करते हैं, तो प्रदीप्ति दक्षता में यह देखा जाता है कि कोई प्रकाश स्रोत है या बल्ब द्वारा कितना प्रकाश बाहर निकल रहा है और इनपुट में कितना पावर दिया जा रहा है, कितना पावर या वैद्युत शक्ति कितनी दी जा रही है, और आउटपुट में कितना वो प्रकाश निकाल रहा है।
तो इन दोनों का जब रेशियो करते हैं तो वही प्रदीप्ति दक्षता कहलाती है। तो किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा जितना प्रकाश आउटपुट निकलता है और उस प्रकाश स्रोत को दी गई वैद्युत शक्ति का अनुपात प्रदीप्ति दक्षता कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रदीप्त दक्षता का जो मात्रक होता है वह ल्यूमेन पर वाट होता है। क्या होता है इसकी दक्षता का मात्रक? ल्यूमेन पर वाट होता है। चूंकि देखते हैं हम, चूंकि ये मान लो क्या है प्रदीप्ति दक्षता ईंटा जो है, प्रदीप्ति दक्षता जो है ईंटा, प्रदीप्ति दक्षता ईंटा बराबर क्या होता है कि आउटपुट फ्लक्स, आउटपुट फ्लक्स बटे इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, इनपुट इलेक्ट्रिक पावर। जो आउटपुट फ्लक्स निकलेगा वो होगा ल्यूमेन में, यही होगा ना जी, प्रकाश जब निकलेगा उसका मात्रक ल्यूमेन होता है, तो ल्यूमेन हो गया, उसका ल्यूमेन में हो गया और इनपुट में मतलब कितना शक्ति दे रहा, वाट हो गया। तो इन दोनों का जब रेशियो करते हैं तो वही होता है ल्यूमेन पर वाट कहलाता है। तो किसी बल्ब की जो दक्षता मापी जाती है वो ल्यूमेन पर वाट में लिया जाता है। अर्थात ये चीज होता है कि प्रदीप की दक्षता कहलाती है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि एब्जॉर्बेशन फैक्टर या अवशोषण गुणांक क्या होता है। अवशोषण गुणांक, अवशोषण एब्जॉर्बेशन फैक्टर गुणांक। अगला जो पॉइंट है हम अवशोषण गुणांक की बात करेंगे, एब्जॉर्बेशन फैक्टर, एब्जॉर्बेशन फैक्टर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि मान लो ये हमारा तल है, कोई पृष्ठ है, ये क्या है तल है, और ये कोई प्रकाश स्रोत बल्ब है, ठीक, प्रकाश स्रोत बल्ब से प्रकाश निकलेगा। अब जब ये प्रकाश की किरणें आ करके सतह से टकराती हैं, ये तल से जब टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, कुछ प्रकाश तो यहाँ पे अवशोषित कर लेता है तल, और कुछ प्रकाश को क्या करता है यहाँ पे परिवर्तित कर देता है। तो हम बात करते हैं कि जब अवशोषण गुणांक की बात करते हैं तो अवशोषण गुणांक क्या होता है कि जो तल है वह कितने प्रकाश को अवशोषित किया है और कितने प्रकाश आकर के उस तल से टकराया है। तो अवशोषण गुणांक कहते हैं, अवशोषण गुणांक जो होता है, अवशोषण गुणांक बराबर कह सकते हैं कि अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, अवशोषित प्रकाश, अवशोषित प्रकाश बटे आपतित मतलब इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। अगर इन दोनों का रेशियो कर देते हैं वही क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब इसी पे बात कर देते हैं कि हम नेक्स्ट परावर्तन गुणांक क्या होता है, जो अलग अलग पॉइंट है परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक की बात करते थे, अर्थात रिफ्लेक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर, परावर्तन गुणांक क्या होता है। तो परावर्तन गुणांक होता है कि जो मान लो सतह से यहां से प्रकाश आई, प्रकाश आने के बाद ये प्रकाश कुछ परावर्तित हो जाती है, तो जो परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश का अगर रेशियो कर देंगे तो वो परावर्तन गुणांक हो जाता है, परावर्तन गुणांक बराबर परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। अगर इन दोनों का जब रेशियो कर देते हैं तो वह कहलाता है परावर्तन गुणांक कहलाता है। अर्थात जब कोई प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाश आकर के किसी सतह तल से टकराता है, टकराने के बाद वह कितना प्रकाश को परावर्तित कर रहा है और उस तल से कितनी प्रकाश आकर के इंसिडेंट हो रही है, इन दोनों का अगर रेशियो कर देते तो वह परावर्तन गुणांक कहलाता है। अब हम बात कर ले ट्रांसमिशन फैक्टर मतलब परेषण गुणांक, पारेषण गुणांक के बारे में, अन्य अगला पॉइंट है पारेषण, पारेषण गुणांक, ट्रांसमिशन फैक्टर जिसे बोलते हैं, ट्रांसमिशन फैक्टर।
पारेषण गुणांक के मतलब ये होता है कि ट्रांसमिट प्रकाश बटे इंसिडेंट प्रकाश, अगर इन दोनों को अगर हम रेशियो कर देते हैं, अर्थात पारेषण गुणांक जो होता है पारेषित प्रकाश ट्रांसमिशन लाइट बटे इंसिडेंट लाइट, पारेषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, ये चीजें आती है पारेषण गुणांक। तथा गुणांक जितने भी पढ़े आप लोग, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि औसत क्षैतिज कैंडिला शक्ति मीन हॉरिजेंटल कैंडिल पावर क्या होता है, जिसे एम एम एच सी पी से भी जानते हैं। एम एस सी पी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। औसत क्षैतिज कैंडिला शक्ति ये है क्या चीज, कि किसी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति कहलाती है। तो हम मतलब एम एस सी पी बराबर कह सकते हैं कि ल्यूमेन फ्लक्स चारों दिशाओं, मतलब 4π हो गया, 4π। तो एम एस सी पी बराबर होता है ल्यूमेन फ्लक्स अपान 4π होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, औसत गोलाकार कैंडिला शक्ति, औसत गोलाकार कैंडिल कैंडिल शक्ति, औसत गोलाकार कैंडिल शक्ति की बात करते हैं तो इसके बारे में मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर की बात करते हैं तो इसका डिफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। किसी क्षैतिज तल में सभी तलों एवं दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही औसत गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता है। इसे हम लोग जानेंगे एम एस सी पी के द्वारा देखते हैं, एम एस सी पी मतलब मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो इसका डिफिनेशन ये हुआ कि किसी क्षैतिज तल में सभी तलों एवं दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही गोलाकार कैंडल की शक्ति कहलाता है, या गोलाकार औसत गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता है, जिसे हम लोग एम एस सी पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एम एस सी पी बराबर संपूर्ण फ्लक्स, मतलब किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा जितना प्रकाश निकल रहा है संपूर्ण फ्लक्स हो गया, और चारों दिशाओं का मतलब 4π हो गया, संपूर्ण फ्लक्स अपान 4π। अर्थात किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में निकलने वाली प्रकाश का औसत मान जो होगा गोलाकार कैंडिला का औसत शक्ति कहलाता है। अब हम बात करते हैं, ये गोलाकार हो गया, अब हम बात करते हैं अर्ध गोलाकार का औसत शक्ति, औसत अगला हेडिंग डालो सब लोग, औसत अर्ध गोलाकार कैंडिल शक्ति कैंडिल पावर औसत गोलाकार कैंडल पावर। अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, इंग्लिश क्या है, तो मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। अब हम बात करते हैं कि अर्ध गोलाकार के जब औसत निकालेंगे तो प्रकाश स्रोत के केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज तल के ऊपर या नीचे, मान लो ये प्रकाश स्रोत है, जनरल लाइट है, जीएसएल लैंप है, इस जीएसएल लैंप के एक केंद्र से मैंने क्या क्षैतिज लाइन खींच दिया। अब इस प्रकाश स्रोत के द्वारा चाहे ऊपर से ऊपर की बात कर लेते हैं या फिर इस क्षैतिज लाइन के नीचे से बात कर लेते हैं, हम चाहे इस प्रकाश बल्ब, चूंकि यहाँ चारों दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पे भी निकल रहा है इसके चारों दिशाओं में, तो इस प्रकाश स्रोत के
केंद्र से एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। इस क्षैतिज लाइन देखते हैं कि ऊपरी दिशा में या नीचे की दिशा में किसी एक दिशा की हम कंसीडर करेंगे कि प्रकाश स्रोत के केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज तल के ऊपर या नीचे सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति का औसत मान, चाहे सभी दिशाओं में मतलब ये अर्ध दिशा इसका पूरा ले लेते हैं, इस दिशा में कैंडल शक्ति का औसत मान निकाल लो, चाहे ऊपर वाले दिशा में कैंडल शक्ति का औसत मान निकाल लो, तो जो औसत शक्ति आएगा वह कहलाता है कि अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता है। इसे बोलते MHSCP। MHSCP का मतलब होता है अर्धगोलाकार में उत्पन्न फ्लक्स, अर्ध गोला, अर्ध गोला में उत्पन्न फ्लक्स, में उत्पन्न फ्लक्स, अर्ध गोला में उत्पन्न फ्लक्स बटे 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अर्ध गोले की बात हो रहा है यहाँ पे, अर्ध गोला ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि संपूर्ण 4 पाई होता था, आधा वाला 2 पाई हो जाएगा। तो ये चीज होती है अर्ध गोलाकार के कैंडल शक्ति, से ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अनुरक्षण गुणांक क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अनुरक्षण गुणांक, अनुरक्षण, अनुरक्षण गुणांक, मेंटेनेंस फैक्टर। तो अनुरक्षण गुणांक जो होता है इसके बारे में समझते हैं कि सामान्य अवस्था में प्रदीप्ति और आदर्श अवस्था में प्रदीप्ति का अगर अनुपात करते हैं तो वह अनुरक्षण गुणांक कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा सामान्य अवस्था में प्रदीप्त और उसी प्रकाश स्रोत के द्वारा आदर्श अवस्था में प्रदीप्त का अनुपात करेंगे तो वह अनुरक्षण गुणांक कहलाता है। तो अनुरक्षण गुणांक बराबर सामान्य अवस्था में प्रदीप्त, सामान्य अवस्था में प्रदीप्ति सामान्य अवस्था में प्रदीप्ति आदर्श अवस्था में प्रदीप्ति आदर्श अवस्था में प्रदीप्ति इन दोनों का अगर रेशियो कर देते हैं तो वह अनुरक्षण गुणांक कहलाता है। अनुरक्षण गुणांक का मान हमेशा 1 से कम रहता है। इसका मान क्या होता है, 1 से कम रहेगा, अर्थात 0.4 से 0.8 के बीच इनका मान आता है। अनुरक्षण गुणांक का जो मान आएगा 0.4 से 0.8 के बीच आता है। अब हम अगला जो पॉइंट है अवक्षय या ह्रास गुणांक, अवक्षय, अवक्षय या ह्रास गुणांक, ह्रास गुणांक, अवक्षय या ह्रास गुणांक यह अनुरक्षण गुणांक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अवक्षय या ह्रास गुणांक को हम लिख सकते हैं अवक्षय या ह्रास गुणांक, ह्रास गुणांक बराबर 1/ अनुरक्षण गुणांक लिख सकते हैं, 1/ अनुरक्षण गुणांक। अर्थात यह कह सकते हैं कि आदर्श अवस्था में प्रदीप्त और सामान्य अवस्था में प्रदीप्त का जब अनुपात किया जाता है तो वह कहलाता है अवक्षय या ह्रास गुणांक कहलाता है। आदर्श अवस्था में प्रदीप्ति, आदर्श अवस्था में प्रदीप्ति बटे सामान्य अवस्था में प्रदीप्ति, सामान्य अवस्था में प्रदीप्ति इन दोनों का जब रेशियो कर देते हैं तो वह अवक्षय या ह्रास गुणांक कहलाता है। इनका मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो इनका मान जो लाई करता है वो 1.2 से 1.4 के बीच में, इतने के बीच में ये अवक्षय या ह्रास गुणांक लाई करता है।